स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल सी ड्रीम्स। और दोस्तों, आईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है, जिन्होंने अपने एफिडेविट्स उनको जो डालनी थी उसमें उन्होंने बताया है कि सर हम एग्ज़ाम को होल्ड करेंगे विद ऑप्ट आउट स्कीम। और उसके उन्होंने रीज़न ये भी बताया कि भाई इंस्टीट्यूट जो है सर ड्यूली बाउंड है कि भैया जो बच्चा मतलब अपॉर्चुनिटी देना है, जो बच्चा चाहता है अपीयर होना एग्ज़ाम के अंदर में जो रिशेड्यूल हुई है 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात कहा कि भैया हम ऑप्ट आउट स्कीम उन बच्चों को दे रहे हैं जिन बच्चों को भाई कुछ फियर है या फिर एंग्जाइटी है ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने डाटा भी रखा यहाँ पे, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई आउट ऑफ 3.46 लाख कैंडिडेट जो चाहते हैं, जो May 20 साइकिल्स के लिए मतलब अप्लाई किया था उन्होंने अपीयर होने के लिए, जिसमें से सिर्फ 57,092 कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट करा है। इसका मतलब है अबाउट 2.89 लाख जो कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अपीयर हो, इस चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट भी करा है, ठीक है। साथ साथ में इंस्टीट्यूट ने ये भी कहा है कि भैया जो है हम चाहते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट का जो माइंडफुल है कि वो चाहता है कि भैया स्टूडेंट का वेलबींग हो और उनके गुड हेल्थ की भी बहुत कामना करता है। इसलिए इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो चाहता है एनी टाइम अगर वो अनेबल फील करता है अपीयर होने के लिए एग्ज़ाम में, तो उसका रीज़न मतलब अगर COVID-19 की वजह से, अब ऐसा नहीं घर में शादी है तो उसके वजह से हम नहीं यहाँ पर एग्ज़ाम देने, तो वो यहाँ पर नहीं कवर होगा। ऐसा मतलब कि अगर COVID-19 की वजह से अगर उसको प्रॉब्लम है तो उस केस में ये कह रहे हैं कि जिनका मई ऑप्ट आउट करके और हम उनको सीधा नवंबर के लिए शिफ्ट कर देंगे, ऐसा ICAI ने अपने FAQ के अंदर में भी डाला हुआ था, ठीक है। विदाउट कोई भी उसमें एक्स्ट्रा फीस नहीं रहेगा, ना ही कोई अदर डिसएडवांटेज, मतलब वही है कि विद बेनिफिट जो भी एग्जाम सम्स वगैरह उनको नवंबर के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बात सारा जो है राकेश सहगल जो है वहाँ के, ठीक है, अभी एक्टिंग सेक्रेटरी है, इन्होंने बताया। अभी सर इसके बाद ICAI एक और चीज़ कह रहा है, देखो ये इन्होंने फाइल मतलब ये ICAI इन्होंने एफिडेविट में क्यों डाला था, क्योंकि सर देखो ICAI के अंदर में एक PIL डाली गई थी अलग अलग श्रीवास्तव के द्वारा बिहाफ ऑफ जो पिटिशनर थी अनुभवा श्रीवास्तव साहनी, जो चाहती थी कि भैया इंडिया के अंदर में मतलब जो ये ICAI है सर ज़्यादा ज़्यादा सेंटर दे ऑप्ट आउट स्कीम पे, चाहती थी कि रोक लग जाए, ठीक है। ये कह रही थी कि भैया इसके वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशंस के ऊपर में भी ICAI ने जवाब इनको दिया है, ठीक है, अपना इन्होंने सबमिट करा है। सेंटर्स के ऊपर देखिए पहले ICAI का क्या कहना है, ICAI कह रहा है कि भैया जो है जो पिटिशनर थी उन्होंने कहा था कि ICAI सिर्फ 30% एग्ज़ाम सेंटर्स के ऊपर में वो मतलब एग्ज़ाम कराना चाहता था, जिस तो ICAI बोल दिया भैया आप ये जो कह रहे हैं इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर्स होता है, जो भी लोकेशंस होता है, वो डिसाइड करता है हमारा एग्ज़ामिनेशन कमेटी जो है वो, और एग्ज़ामिनेशन कमेटी इस चीज़ को डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ़ मतलब ये ध्यान में रखते हुए करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। जैसे ICAI ने एक एग्जांपल भी वहाँ पे कोट करा है कि अगर सर मान लीजिए बिग सिटीज़ है जैसे लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, तो यहाँ पे सर एग्ज़ामिनेशन सेंटर ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू जैसे भोपाल हो गया, मैसूर हो गया, शिमला हो गया, जो छोटे शहर हैं उसके मुकाबले, क्योंकि सर ये बड़े बड़े शहर में कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ICAI ने ऐसा कहा। और साथ ही साथ में एक और चीज़ है, देखिए ICAI ये भी कह रहा था कि सर जब मई 2020 एग्जामिनेशन जो होने वाले थे शुरू में, उस टाइम पे हमारे पास अबाउट 500 एग्ज़ाम सेंटर्स थे 207 सिटीज़ के अंदर में और 5 ओवरसीज सेंटर्स थे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सर क्या हुआ, COVID-19 पेंडेमिक की वजह से जो 25 मार्च से चल रहा है सर, तो उसके वजह से एग्ज़ाम ICAI का दो बार पोस्टपोन हो गया, एक तो सर वो 19 जून वाला हुआ था, उसके बाद जुलाई वाला हो गया, ठीक है। तो ये ICAI कहना चाह रहा था, मतलब भाई देखो इनका सीधा सीधा कहना है ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन और सेफ्टी की वजह से जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो फिर उन्होंने एक रिशेड्यूल डेट करा था 29 जुलाई से 16 अगस्त के लिए, तो इसमें जो चाहता है अपीयर हो। ICAI एक चीज़ और वहाँ पे मेंशन किया, मतलब देखो भाई जो भी PIL डाला था उसके जवाब में ICAI ने हर लाइन का आंसर यहाँ पे दिया है, ठीक है। ICAI ने कहा है कि भैया देखो ऑलमोस्ट 80% जो कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि भैया हम एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएँ, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ वैसे भी स्टूडेंट हैं जो अंडरगोइंग आर्टिकलशिप कलरशिप कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं प्रोफेशन ज्वाइन करना। तो जो इंस्टीट्यूट सर डिसाइड किया कि भैया जो लार्जर नंबर ऑफ इंटरेस्ट है हम उनके साथ जाएंगे और हम एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराएंगे, और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है प्रिकॉशंस को लेके वो हम फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए ICAI यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन कोट किया, वो कहते हैं कि सर इंस्टीट्यूट डज नॉट वॉन्ट टू बी अ हर्डल बिटवीन द एस्पेरेंट्स एंड हर और हिज ड्रीम्स, ठीक है, मतलब ICAI आपको आपके ड्रीम्स के बीच में नहीं आना चाहता, वो चाहता है आप जल्द से जल्द CA बने और देश को सर्व करें।
However, as some expressed reservation due to the prevailing COVID-19 situation, तो इस केस के लिए ICAI पहले ही बोल दिया कि हम ठीक है भैया, उनको हम ऑप्ट आउट का जो है स्कीम दे दिए हैं, और ऑप्ट आउट का जो स्कीम है अभी हम बढ़ा के 30 जून तक कर चुके हैं। तो जो भी भाई बंधु हमारे चाहते हैं कि ऑप्ट आउट स्कीम के थ्रू नवंबर में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सर एग्ज़ाम की सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी ICAI ने लेके रखी है, ठीक है। और देखिए इंस्टीट्यूट ये लाइन भी मेंशन किया है कि भैया इंस्टीट्यूट यहाँ पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है अमंग स्टूडेंट। उन्होंने तो दोनों ऑप्शन दे ही दिए सर, अगर जो चाहते हैं, क्योंकि देखिए 80% स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि जो सर बच्चे हैं जो ऑप्ट आउट कर गए। तो सर अगर आप ऑप्ट आउट कर ही गए तो फिर अब क्या कह सकता है इंस्टीट्यूट, है ना। बाकी 80% बच्चे जो चाहते हैं भैया एग्ज़ाम में अपियर होने, क्योंकि अगर उनका अटैम्प्ट शिफ्ट होता है सर तो फिर उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और एंग्जाइटी प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा। उन्होंने दो पॉइंट वहाँ पे ये भी कोट करा कि सर जो 17 जून को एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा था कर्नाटका गवर्नमेंट को, इन्होंने इनका एग्जाम्पल रखा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, जो SSLC जो एग्जामिनेशन था, जिसमें कि सर जो नहीं स्टूडेंट चाहते थे एग्ज़ाम में अपियर करना, तो उनको जो है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दी गई थी कर्नाटका स्टेट्स के अंदर में। इवन उन्होंने उत्तराखंड का भी केस रखा, ठीक है, कि वहाँ पे भी जो है 10th और 12th का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट कराया गया है, ठीक है, बिटवीन 20 जून से लेकर 23rd जून को। तो ये दो बातें भी इन्होंने ICAI ने वहाँ पे एडिट करी है। तो सर ये सारी बातें ICAI ने अपने एफिडेविट में रखा उस PIL के खिलाफ जो कि डाली गई थी। तो अब देखते हैं सर आज उस केस की हियरिंग्स है, तो आज समझ में आएगा सर कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्द उस पर भी अपडेट्स आएगा, तो इसी चैनल पर आपको भी सारी अपडेट्स मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।